नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स बचाना कोई गलत बात तो नहीं है? और यदि इनकम टैक्स बचाने की कोई टेक्निक मैं आपके सामने रखूं तो यू मे बी सर्टनली इंटरेस्टेड कि चलिए भाटिया जी, आप कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं तो आपकी बात सुनने पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। तो दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, व्हाट इज टैक्स हार्वेस्टिंग। ये एक टर्म है जिसको हम टेक्निकली टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और आपको ये समझना है कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है और क्या ये आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम करने में किसी प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए इस वीडियो में आगे की स्लाइड्स के थ्रू आपके साथ इस इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने एक टेक्निकल टर्म आपके साथ यूज करी है टैक्स हार्वेस्टिंग, तो आपकी रुचि ये जरूर होगी जानने में कि ओके अनूप जी, जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो जरा बताइए कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है और क्या इसके कोई प्रकार भी होते हैं। तो देखिए, एक बात आपके सामने बड़ी क्लियर रखता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहीं पर भी टैक्स हार्वेस्टिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक टेक्निक है जो समय समय पर प्रिवेलिंग टैक्स लॉज के हिसाब से करदाताओं ने या टैक्स एक्सपर्ट्स ने बना ली है। तो ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस को ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये गलत टैक्स प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस अगर आपको लॉ फॉर टाइमिंग एक ऑप्शन दे रहा है तो आप उस ऑप्शन का बेनिफिट लेकर के टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। और मेनली आज की डेट में टैक्स हार्वेस्टिंग का जो आप बेनिफिट उठा सकते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज और शेयर मार्केट रिलेटेड इनकम। मैं इस बात को एक मीनिंग नहीं बोलूंगा, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के रूप में आपके सामने रखता हूं कि टैक्स हार्वेस्टिंग इज अ प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय टैक्स पेयर टू रिड्यूस हिज और हर अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी ऑन द कैपिटल गेन इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज फॉर अ ईयर। इस बात को मैं आगे एग्जाम्पल से रखूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी से मेरी बात समझ में आए। उससे पहले ये बात भी कहना चाहूंगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग के दो प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एंड टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। तो अब आपकी ये क्यूरियोसिटी निश्चित रूप से बनी होगी कि अनुप जी, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग क्या होता है। अब उसकी चर्चा पे चलते हैं। सबसे पहले आपसे बात करता हूं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, यानी टैक्स लॉस से रिलेटेड हार्वेस्टिंग क्या हो सकती है। इसको कुछ अंडरलाइंग इसकी एजम्पशंस हैं या कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके कारण से टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो सकती है। मुझे आपको इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा कि मान लीजिए एक पर्सन है मेरे जैसे मिस्टर ए, इनके पास में कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, से फॉर एन एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए सपोज 10 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख रुपए पर क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन है तो मुझे 1 लाख से ऊपर के लॉन्ग टर्म गेन पर आज की डेट में 10% रेट से टैक्स देना है। अब जब मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा एज ए, तो मैंने आपने देखा कि सब मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं जिन पर मेरे को लॉस है और वो भी लॉन्ग टर्म लॉस। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर मुझे लॉस है, सपोज वो लॉस मेरे को 2 लाख रुपए का है, और मैं उन स्क्रिप्ट्स को बिफोर 31 मार्च या ऑन और बिफोर 31 मार्च बेच दूं, तो मेरा जो इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो दोस्तों 10 लाख की जगह 8 लाख रह जाएगा। पर आप कहेंगे अनुप जी, आप लॉस में शेयर क्यों बेच रहे हैं जब आपको लगता है कि ये शेयर अभी मुझे कमाई करके देगा, तो अभी आप उसे होल्ड भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात करी। अब मैं इस बात को कैसे करूंगा कि सपोज मेरी 3 स्क्रिप्ट्स जिनके अंदर मेरे को लॉस हो रहा था 2 लाख का, मैंने उन्हें बेचा क्योंकि वो मुझे लॉन्ग टर्म लॉस दे रही थी, और उन सिक्योरिटीज को वापस चाहे अगले दिन या कुछ दिन बाद मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में पुनः खरीद लिया। यानी मेरी अल्टीमेट मंशा उन सिक्योरिटीज से एग्जिट करने की नहीं थी, लेकिन क्योंकि फॉर टाइम बीइंग मुझे टैक्स की बचत करनी थी तो मैंने 10 लाख के अपने अदरवाइज लॉन्ग टर्म गेन को इन सिक्योरिटीज से जो कि मेरे पोर्टफोलियो में पड़ी हैं और जिन पर मुझे लॉन्ग टर्म लॉस है, हो सकता है मैंने उन सिक्योरिटीज को वास्तव में बेच दिया और वो लॉस को मैंने अपने गेन से एडजस्ट करके बोला जी मेरे पास में इस साल केवल 8 लाख रुपए का गेन बचा है। तो ये 8 लाख रुपए के गेन पर जब मैं टैक्स दूंगा तो ये 2 लाख रुपए जो अब तक मेरे लिए नोशनल लॉस था, नोशनल इसलिए क्योंकि जब तक आप कोई सिक्योरिटी बेचेंगे नहीं आपका रियल प्रॉफिट या लॉस इनकम टैक्स की नजर में नहीं आएगा, लेकिन आपने फॉर टाइमिंग उस सिक्योरिटी को बेचा, फिर वो सिक्योरिटी एक्वायर भी कर ली, सेम डे नहीं करना क्योंकि सेम डे में तो इंट्राडे में डिलीवरी नहीं होगी सर, आपको गैप लेकर के चलना है।
कम से कम एक दिन का गैप। तो अब यदि आपने अगले दिन या अगले हफ्ते जब भी है 31 मार्च तक वो सिक्योरिटी वापस खरीद ली, तो आपके पास सिक्योरिटी भी मेंटेन्ड है और उसका आज की डेट तक का लॉस आपका एडजस्ट करने के लिए मिला, क्योंकि इस प्रैक्टिस से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हुई। और अगर मैं हार्वेस्टिंग टर्म का इस प्रकार से अर्थ करूं कि हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई, तो जब फसल की कटाई, यहां क्या फसल की कटाई, यहां तो लॉस की कटाई है कि मेरे पास में लॉस था पर मैंने उस लॉस का प्रयोग अपने कैपिटल गेन को सेट ऑफ करने में सेम ईयर में कर लिया। तो ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस है, जिसे यदि आपके केस में भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्क्रिप्ट हो और वहां आपको ये एडजस्टमेंट मिल रहा हो तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। दोस्तों एक और हार्वेस्टिंग का तरीका, टैक्स हार्वेस्टिंग का तरीका, जिसका नाम है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। तो बहुत ज्यादा मटेरियल आपको इस पर मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इस बात को एक एग्जांपल से इसलिए रखने में सक्षम हूं कि आप सबको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर से होता है लिस्टेड पे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर होता है, वहां अंडर सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स लॉ 10% की रेट पर टैक्स लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो 10% की रेट का टैक्सेशन है वो 1 लाख से ऊपर के लॉन्ग टर्म गेन पर लगता है। अब यदि मैं मानूं कि किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है और उनके पास में कुछ शेयर उनकी खरीद मूल्य से आज तक के डिफरेंस पर कुछ गेन दिखा रहे हैं, तो नेचुरली हो सकता है उन सज्जन का मानस ना हो कि मैं अपने शेयर बेचूं। लेकिन अगर ये जो एग्जाम्पल रख रहा हूं उससे उन्हें लगता है कि सपोज कुछ 12 लाख की सिक्योरिटीज उन्होंने खरीदी थी जो आज 13 लाख रुपए की हो गई, कल हो सकता है फाइनली वो उसको 15 या 16 लाख में बेचने का टारगेट रखते हो जो चाहे अगले साल अचीव होता हो, तो अगले साल दोस्तों जब उनको 15 या 16 लाख में सिक्योरिटी बिकेगी तो फाइनली उनका पूरा कैपिटल गेन अगले साल में आएगा ईयर टू में। लेकिन अगर इस साल उनकी वैल्यू 12 से बढ़कर के 13 लाख हो गई और इस साल वो सिक्योरिटीज को बेच दें, सच पर्सन में सेल द शेयर्स, और वापस से उसको 13 लाख रुपए में बेच के 13 लाख में खरीद लें, नॉट ऑन द सेम डे, इंट्राडे से बचना है, अगले दिन खरीद लें, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होगा, उन्होंने 1 लाख का कैपिटल गेन इस साल लॉन्ग टर्म बुक कर लिया और अगले साल जो बाकी का कैपिटल गेन होगा, सपोज 13 लाख और 16 लाख की बात करते हैं तो 3 लाख का गेन अगले साल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ दोस्तों, अगर आप 12 और 16 के डिफरेंस पर चलते हैं, 12 लाख इनिशियल कॉस्ट और 16 लाख का अल्टीमेट सेलिंग प्राइस, तो 4 लाख का गेन है। अगर ईयर टू में सेल होगी तो अल्टीमेटली आपको 4 लाख में से 1 लाख तक के कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म पे टैक्स नहीं देना, बाकी के अमाउंट 3 लाख पे आपको 10% रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म गेन को इस प्रकार से तोड़ा कि पहले साल में उन्होंने 12 लाख और 13 लाख के डिफरेंस पर 1 लाख का एलटीसीजी बुक कर लिया और जो शेयर्स वापस से खरीदे उसको फिर 1 साल होल्ड करके बेचा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अगले साल फिर 1 लाख तक के कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना। तो आपने अपनी लॉन्ग टर्म गेन को जो एग्जम्पशन उसमें 1 लाख तक निल टैक्स रेट लगती है उसको 1 लाख से बढ़ा करके हो सकता है अब 2 लाख कर पाए। ये एक प्रकार की टैक्स गेन रिलेटेड हार्वेस्टिंग है। मैं फिर कहूंगा दोस्तों जरूरी नहीं है आप सब ऐसा ही करें जैसा मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं, कि मार्केट में ऐसे प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं और क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जनता जनार्दन की नॉलेज के लिए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग क्या है उस एजुकेशनल दृष्टि से, और अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिकल पर्पज लेते हुए या प्रैक्टिकल फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टैक्स हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मेरे दिमाग में थे, मुझे लगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूं, कि होता क्या है जब आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, चाहे आप लॉस के पर्पस से करते हैं या गेन के पर्पस से करते हैं, तो आपकी एसेट की होल्डिंग पीरियड, आपकी सिक्योरिटी की होल्डिंग पीरियड में ब्रेक आता है। ब्रेक आता है मतलब सपोज इनिशियली एक सिक्योरिटी आपके पास में 1 साल 2 महीने से थी और आपने टैक्स हार्वेस्टिंग के पर्पस से उसको बेचा और अगले दिन या उसके बाद में कभी भी आपने उस सिक्योरिटी को खरीदा, अब उस सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड पिछले 1 साल 2 महीने के सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड सहित नहीं होगा, अब फ्रेश सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड काउंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग पर्पजेज यू आर सेलिंग ऑफ अ सिक्योरिटी, तो आप अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग भी ब्रेक कर रहे हैं। दूसरी बात, जब टैक्स हार्वेस्टिंग टैक्स गेन हार्वेस्टिंग के रूप में होती है तो क्योंकि प्रेजेंटली 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो कि आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर से आ रहा हो या आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट से आ रहा हो या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से आ रहा हो,
केवल 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही आपको टैक्स रेट मिल। इसलिए ये हार्वेस्टिंग टैक्स गेन हार्वेस्टिंग 1 लाख तक के एलटीसीजी पर आपको बेनिफिट देगी। एक और रूल ध्यान रखना है कि अगर आपने जो शेयर बेचा दोस्तों वो तो बेच दिया लॉन्ग टर्म, और इधर आपके पास में इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खड़ा था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म लॉसेज एडजस्ट नहीं होते। थंब रूल ये है कि लॉन्ग टर्म लॉसेज लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट होते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म लॉसेज लॉन्ग टर्म गेन से भी एडजस्ट हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म गेन से भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग करें इन 3 बातों का भी जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको आप यदि समझ करके कि ये क्या कहना चाहती है और इसमें क्या अंडरलाइंग एजम्पशंस है या किस प्रकार से एग्जीक्यूट की जाती है करेंगे, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निश्चित रूप से कुछ हद तक बचाई जा सकती है। पर बिफोर यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, आप अपने ट्रांजेक्शन की प्रॉपर प्लानिंग करिए और फिर ही टैक्स हार्वेस्टिंग के अंदर उतरिए। सो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।